क्या टेलीकॉम स्पेक्ट्रम अब बगैर नीलामी के ही बांटे जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि टेलीकॉम विभाग ने स्पेक्ट्रम बांटने के लिए नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 के ड्राफ्ट पर आम लोगों से राय मांगी है कि क्या ई बैंड और वी बैंड के स्पेक्ट्रम बिना नीलामी के दिए जा सकते हैं या नहीं। एक लाख 76,000 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा है जिसके अनुमान के नाम पर केंद्र की यूपीए सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में सरकारी खजाने को हुए नुकसान के आरोपों के सालों बाद एक बार फिर वैसे ही नुकसान की आशंका खड़ी हो गई है। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने स्पेक्ट्रम से जुड़ा एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है और उस ड्राफ्ट के बारे में आम लोगों से राय मांगी गई है और कहा गया है और पूछा गया है खासतौर पर कि क्या कुछ खास स्पेक्ट्रम को बगैर नीलामी प्रक्रिया के बांटा जा सकता है या नहीं। ये तस्वीरें उसी नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 की है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसका ड्राफ्ट वेबसाइट पर अपलोड किया है और इस पर लोगों से राय मांगी है। इस ड्राफ्ट के सेक्शन 1.2 की ये लाइन गौर करने वाली है जिसमें इनेबलिंग लाइट टच लाइसेंसिंग और डी लाइसेंसिंग फॉर ब्रॉडबैंड पॉलीफ्रेशन के नाम पर स्पेक्ट्रम बांटने के लिए राय मांगी गई है, जिसमें डी लाइसेंसिंग का मतलब बगैर नीलामी के स्पेक्ट्रम बांटना है। इसमें आश्चर्य की बात तो यह है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा आदेश है कि आपको सिर्फ ऑक्शन के माध्यम से ही देना है और दूसरी तरफ सरकार एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर रही है या पब्लिक ओपिनियन ले रही है कि क्या सरकार स्पेक्ट्रम को बिना ऑक्शन के भी दे सकती है। दरअसल नई पॉलिसी पर लोगों की राय मांगने के पीछे सरकार की कोशिश यह है कि वी बैंड के 7,000 मेगाहर्ट्ज़ के ई बैंड के 10,000 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम को बगैर नीलामी के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बांट दिया जाए। हालांकि तथ्य यह है कि फरवरी 2012 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी स्पेक्ट्रम का आवंटन बगैर नीलामी के नहीं हो सकता है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ ले डाउन कर दिया है अंडर आर्टिकल 141 तो उसके लिए गवर्नमेंट बाध्य होती है कि उसको उसी हिसाब से फॉलो किया जाए। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के कंट्रेरी है या उसके वायलेशन में है या उसके विपरीत है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हालांकि टेलीकॉम विभाग ने नई ड्राफ्ट पॉलिसी को लेकर जो दलीलें दी हैं उनमें कई दलीलें उसी प्रकार की हैं जिसे बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम देने वाले टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा ने दिया था। मसलन 2008 में कहा गया था कि इससे टेलीकॉम का प्रसार होगा, 2018 में कहा जा रहा है कि इससे ब्रॉडबैंड का प्रसार होगा, यूपीए सरकार में कहा गया था कि इससे टेलीकॉम की दरें कम होंगी, एनडीए सरकार में कहा जा रहा है कि इससे 2020 तक सभी को ब्रॉडबैंड मुहैया कराया जा सकेगा। ए राजा के जमाने में दलीलें दी गई थी कि इससे सुविधाएं बढ़ेंगी और आम आदमी की आमदनी बढ़ेगी। 2018 में भी दलील दी जा रही है कि भारत के सामाजिक आर्थिक लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। 2008 में भी स्पेक्ट्रम बांटने पर राय के लिए IIT के प्रोफेसरों की कमेटी बनाई गई थी और 2018 में भी इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय तरीके की दलील दी जा रही है। ये कहना कि अगर इसको ऑक्शन करेंगे तो कीमत बहुत ऊपर जा सकती है, अगेन मैं कहूँगा वो इमेजिनेशन है कि कीमत ऊपर जा सकती है, इरेशनल बिडिंग हो सकती है, वो इमेजिनेशन है, दैट इज फियर साइकोसिस, व्हाई इज दैट बीइंग क्रिएटेड। जाहिर है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद स्पेक्ट्रम बांटने के लिए नीलामी के अलावा दूसरे विकल्पों पर विचार करने की कोशिश की है। रिजवान आरिफ और अरविंद सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब आशंका यह है कि अगर सरकार बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम बांटती है तो पूर्व CAG विनोद राय के फॉर्मूले के मुताबिक देश को 11,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में सरकार को हुए नुकसान के जो आंकड़े पूर्व CAG विनोद राय ने बताए थे उसका आधार पिछली बार स्पेक्ट्रम नीलामी की राशि थी। इस लिहाज से टेलीकॉम विभाग की ओर से ई बैंड और वी बैंड के जिन स्पेक्ट्रम को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर देने की तैयारी की जा रही है उससे कितना नुकसान हो सकता है वो इस गणना से समझ गए। आखिरी बार सरकार ने 2016 में स्पेक्ट्रम की नीलामी की थी। इस दौरान 800 से 2500 मेगाहर्ट्ज़ बैंड के 965 स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी। इस नीलामी में सरकार को 65,789 करोड़ रुपए मिले थे जिसकी दर 68 करोड़ रुपए प्रति स्पेक्ट्रम की पड़ी थी। इस लिहाज से देखा जाए तो वी बैंड के 7,000 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी से 4,77,225 करोड़,
और 10,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी से करीब 7 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। अगर हम पूर्व सीएजी विनोद राय का फॉर्मूला बनाते हैं तो इस स्पेक्ट्रम की वैल्यू 11 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ के बीच होती है। गौर करने वाली बात यह है कि टेलीकॉम विभाग ने इस मुद्दे पर 2014 में ही ट्राई से राय मांगी थी। तब 8 जून 2015 को लिखी चिट्ठी में ट्राई ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट के 2 फरवरी 2012 के आदेश के बाद नीलामी के अलावा किसी और तरीके से स्पेक्ट्रम बांटा जाए या नहीं, इस पर नीतिगत फैसला टेलीकॉम विभाग कानून मंत्रालय की राय से ले और तय करे कि बिना नीलामी के आवंटन कानूनी होगा या नहीं। ऐसे में टेलीकॉम विभाग किसी नई नीति को आधार बनाकर या आम जनता की राय की आड़ में नीलामी प्रक्रिया के बगैर किसी भी स्पेक्ट्रम को बांटता है तो उससे देश को लाखों करोड़ का नुकसान पहुंचने की आशंका है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।